हमारे लिए और हम सच में एकदम दिल से उनके शुक्रगुजार हैं। और बाकी मैं यहाँ पे जितने आपको दिख रहे हैं इस वक्त बैठे हुए हैं, ये सब इस ये दुर्गा पूजा फैमिली के एक पार्ट है, एक टीम है। हम सब वहाँ पे भी मेरी माँ खड़ी है, मेरी दोस्त खड़ी है, सब लोग हम ये एक परिवार है जो हमने मिलके ये तय किया था कि इस साल हम कुछ अलग करेंगे। ये दुर्गा पूजा तो आपने देखा होगा, बहुत बार देखा होगा, बहुत जगह पर देखी होगी, पर कैलकटा वाली दुर्गा पूजा कैलकटा के बाहर कभी हुई नहीं है।
और मुझे ये बहुत दिनों से इच्छा थी मेरी कि मैं एज ए बंगाली आई टेक प्राइड इन इट कि मेरा जो बंगाल का जो आर्ट है वो फेमस है, वो वर्ल्ड फेमस है. सबको पता है कि बंगाल में आर्ट इज़ द मोस्ट, आई थिंक वी आर द मोस्ट ब्लेस्ड पीपल, क्योंकि वहाँ का जो आर्ट है वो स्पेशल है और हर कोई पूरे दुनिया से वहाँ पे वो आर्ट देखने ही जाते हैं. तो हम उस आर्ट का एक छोटा सा हमने कोशिश किया है कि उसका ही एक झलक आपको हम यहाँ मुंबई में दिखाएं. और हमने हमारी माता जो है दुर्गा माँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ लोग सोचे कि ये तो सिर्फ बंगाली कम्युनिटी तक ही सीमित रहे, नहीं ऐसा नहीं है, ये पूरे मुंबई घर के लिए है. और इसीलिए हमने आमची मुंबई स्टाइल में हमारी मुंबई की रानी को रिवील किया है. आप देख सकते हैं वो काष्ठा पहनी हुई है और हम सब ने भी काष्ठा पहना है और हमने दिल से उन्हें अपने मुंबई में स्वागत किया है. तो कलकत्ता से आई है हमारी रानी माँ, हमारे पूरी दुनिया की रानी है और आज हमने इन्हें मुंबई की रानी बना के आप सबके सामने रिवील किया. कैसा लगा आप सभी बताओ, आपको कैसा लगा हमारी माँ, कैसी लगी आप सबको? बहुत ही सुंदर, थैंक यू. और इनको ये सर से लेके मुकुट से लेके पांव के पायल तक रियल सोने की ज्वेलरी पहनाई है हमारे स्पॉन्सर सेल्को गोल्ड ज्वेलर्स ने. मैं उनको भी बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि हमारी माँ को इतना सुंदर उन्होंने सजा दिया. मैंने सोचा भी नहीं था उससे भी ज़्यादा वो सुंदर लग रही है. और सारे जितने हमारे गणपति बप्पा, लक्ष्मी जी, माँ सरस्वती, कार्तिक भगवान, सबको उन्होंने सजाया है. बाकी हमारी पूरी मेहनत है, आप देख सकते हैं कि पंडाल अभी तक पूरी तरह रेडी नहीं हुआ. तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी सिर्फ ग्लिम्स ही बाहर रख देना, अभी तक पूरी एक्सक्लूसिव लुक कंप्लीट हुई नहीं है. बट ये हमने एक पैलेस बनाया है और ये ऊपर जो एलईडी है ये भी अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसकी प्रॉपर वो करने के लिए. और भी बहुत सारे इसमें एलिमेंट्स अभी ऐड होना बाकी है पर ये हमारी पूरी साल की मेहनत है. हम पति ने और मैंने, कुणाल और मैंने पूरी साल इसमें दिए हैं हम लोगों ने. तो हम चाहते हैं कि पूरी मुंबई आए और सब लोग यहाँ पे आके दर्शन करें माँ का आशीर्वाद दें. बस ये कहना था. अपनी जय माँ दुर्गा, अपनी सबको बोलूँगी दो दो लाइन प्लीज बोलो कुणाल जी से. वेल, सबसे पहले तो थैंक यू आप सभी का, आप लोग आए और इस इवेंट को आप लोगों ने चार चांद लगा दिए. बिकॉज आप लोग ही हैं जो लोगों को बताएंगे कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं और हमारा इंटेंशन क्या था इस दुर्गा पूजा को कुछ डिफरेंट करने के लिए. बट उससे पहले मैं असलम भाई का दिल से, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ. इन्होंने आई थिंक डे वन से हमारा साथ दिया है, ग्राउंड से लेकर पोस्टर्स, बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने बस एक कॉल पे हमेशा रेडी रहते हैं. सो थैंक यू असलम भाई, थैंक यू सो मच. और असलम भाई से पहले मैं इनका शुक्रिया करना चाहता हूँ बिकॉज आई थिंक हमने से सोचा था ये कि हम कर पाएंगे या नहीं. बिकॉज बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया था कि नहीं कर पाओगे, हाउ विल यू गाइस पुल आउट, यू नो सच अ बिग इवेंट, आप लोग से बता रहे हो बट ये चीज़ हो गई. आई एम सॉरी, थोड़ा सा मैं इमोशनल हो रहा हूँ बिकॉज नौ महीने में जरा भी इमोशनल नहीं हुआ लेकिन आज इमोशनल हूँ बिकॉज मुंबई की रानी हम लोग के आपके सामने पेश की है. सो आई होप आप सब मुंबई कर लोग आए और इनका आशीर्वाद लें. एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू अर्जुन. अर्जुन मेरा बहुत पुराना दोस्त है और यू हैव डन सच अ बिग फेवर ऑन अस दैट यू हैव कम बिकॉज भाई यू ऑल नो हिम वेल. सो एक कॉल पे खड़ा था भाई मेरा. और अतुल जी को तो मैंने कल बोला कि अतुल जी ऐसा ऐसा कर रहे हैं, उन्होंने बोला ठीक है कुणाल मैं आ जाऊँगा. सो ये है, आई थिंक मैं नहीं बुला रहा हूँ, ये उन्होंने ही बुलाया है हम सबको और आप सबको. सो अब फिर से यही बोलता हूँ कि बोलो दुर्गा माई की जय. थैंक यू. अरे मैं सबसे पहले तो चाहूँगा असलम भाई बात करें, मैं आपके बाद पूजा भगत जी ने मेरे ख्याल से सपना देखा था कि वो कलकत्ता से जो है माँ दुर्गा को मुंबई में लाए. और ये देश जो है ये हर स्टेट में अपना एक कल्चर और सारे कल्चर मिलके देश बनाए. तो मुझे लगता है इन सभी लोग जो यहाँ बैठे हैं इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस पूजा और कुणाल का जो एक ड्रीम था यहाँ पे लाने का उसमें साथ में खड़े रहे. पूजा हमेशा से थोड़ी सी मायूस थी, मैंने बोला तू चिंता मत कर, दुनिया नहीं दुर्गा तेरे साथ खड़ी रहेगी. और आज इसका जो कॉन्सेप्ट था, आज सौभाग्य होगा पूरे मुंबई शहर का कि वो यहाँ पर आएंगे और दुर्गा माँ की जो है आशीर्वाद लेने का उनको एक मौका मिलेगा. और ये आप देखिए जो मुंबई शहर के अंदर बहुत सी जगहों पर इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं, ये जो है
पूरा वहाँ का लोकल कल्चर जो है वो यहाँ मुंबई पे लाने का काम हुआ है, वो मेरे ख्याल से यूनिक हुआ है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत ही बेस्ट हुआ है। मुझे लगता है कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद यहाँ बैठे सभी को लगेगा, पूरे मुंबई को लगेगा, पूरे देश को लगेगा, पूरी दुनिया को लगेगा। डेफिनेटली ये जो इस देश का या जो इंसानियत का जो खराब करना चाहते उनको जो है वो दुर्गा माँ ने अपने पैरों के तरह रखा है, तो इस देश के बारे में जो गलत सोचते हैं उनका भी यही हाल होगा। यही मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ और मैं पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ये बहुत ही अच्छा काम किया। और मुझे इस बात की खुशी कि मैं इस छठ पूजा को ऑर्गेनाइज करता हूँ, क्रिसमस का ऑर्गेनाइज करता हूँ, दही हंडी और गणपति करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं माँ दुर्गा का ये आशीर्वाद देना शायद मेरे कार्यकाल में बचा हुआ था। वो पूजा जी ने जो है आगे बढ़ के इसमें भी कहीं ना कहीं मुझे इन्वॉल्व किया, तो मैं बहुत ही अपने आप को खुश हूँ, किस्मत ही समझता हूँ कि एक अच्छा काम ऊपर वाले ने मेरे से किया। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन पूजा। मुझे लगता है कि कोई भी इनिशिएटिव जब आप सोचते हो तो एक सोच से ही शुरू होता है। जैसा कि कुणाल ने कहा कि तुम बहुत मायूस थी और पहले और इतने नेक काम के लिए भी थी, मतलब सोचो कि इतना अच्छा काम कर रही हो तुम, लाखों लोग आएंगे, दर्शन लेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। कई बार हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं तो कितनी सारी एक्ट्रेस जो हैं एक्ट्रेसेस जो हैं वो बंगाली है, कितने सारे फिल्म मेकर्स बंगाली हैं, एंड हमें कई बार इनवाइट किया जाता है कोलकाता वहाँ जाने के लिए दुर्गा पूजा के लिए, और मैं गया हूँ, मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं गया हूँ वहाँ पर। और इट इज़ रियली क्या बोलते हैं ना, जैसे हमारे घर पे गणपति पूजा होती है या जब हम लालबाग का राजा जाते हैं तो कैसी एक फीलिंग आती है अंदर। तो जब मैं कोलकाता गया था मुझे बिल्कुल वैसी फीलिंग आई थी, यू फील डिवाइन। तो ये तुमने मुंबई में क्रिएट किया और कई सारे जो मुंबईकर्स हैं वो ये दर्शन लेने ज़रूर आएंगे, ये मेरी आशा भी है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो लोग ज़रूर आएंगे। और मैं चाहता हूँ कि ये पूजा के लिए नहीं आ रहे हो, अनेक पूजा के लिए आ रहे हो, इस पूजा के लिए नहीं आ रहे हो, लेकिन आप देवी माँ के लिए आ रहे हो, उनके आशीर्वाद के लिए आ रहे हो और वो सबसे ज़रूरी है। और इतना लार्जर देन लाइफ चीज़ क्रिएट करना, मुंबई की रानी है हमारी दुर्गा माँ इस बार, और इतना बड़ा महल यू नो क्रिएट करना अपने बलबूते पे, सब कुछ ऑर्गेनाइज करना, ऑफकोर्स वो सब तुमने किया और मीडिया के साथ के बिना वो पॉसिबल नहीं है। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी कि आप लोग यहाँ पर आए और आपकी जो है सहायता इसमें बहुत लगेगी। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कंग्रेचुलेशन वंस अगेन, और मैं चाहूँगा कि 8 तारीख से जो है यहाँ पर दर्शन शुरू होंगे इस पंडाल में, तो जितने भी लोग हैं आपको डिटेल्स तो पहुँच ही जाएंगी मीडिया के थ्रू, सो प्लीज़ आप आइएगा और इस दिव्य दर्शन को प्लीज़ आप मिस मत कीजिएगा। सो इसी के साथ कहूँगा माँ दुर्गा की जय। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग यहाँ पर आ रहे, और सबसे ज़्यादा जो धन्यवाद के पात्र हैं कुणाल हैं, पूजा हैं और असर भाई हैं। ये आसान चीज़ नहीं थी जो ये संभव हो पाया, ऑब्वियस है माँ की कृपा इसमें शामिल है, लेकिन कोशिश इन लोगों की रही है और ये छोटी चीज़ नहीं है। ये मैं देख रहा हूँ, मेरा सपना शुरू से रहा है, बहुत लोग कहते भी आए कि सर दुर्गा पूजा देख दिए तो आप कलकत्ता आए, तो वहाँ तो जा नहीं पाए, कलकत्ता यहाँ आ गए। तो सच में ये मेरी मनोकामना थी कि मैं वहाँ का ये माहौल, ये फेस्टिव माहौल जो होता है पूरा 9 दिन का ये देख पाऊँ, तो यहाँ संभव हो पाएगा। और एक बात बता दूँ आपको, ये पूरा जो समारोह है, पूजा तो है ही, समारोह है पूरा, फेस्टिवल के दिन जो जिस तरह से वाइब्रेशंस होनी चाहिए वो आपको मिलेगी। और यहाँ पे मुझे कुणाल ने बताया कि पूरा कलकत्ता सिर्फ मूर्ति के जरिए आप नहीं देखेंगे, माँ की जरिए नहीं देखेंगे, यहाँ का जो माहौल मिलने वाला है आपको कितने दिन, 6 दिन वो मिलेगा, वहाँ के खाने पीने की चीज़ें मैं नाम नहीं बताऊँगा, वो सस्पेंस रहेगा, जिसके लिए अभी इस मुँह में पानी, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ तो
वो सारी चीज़ें खाने पीने से ले के और भी कुछ खरीदने के सामान जो आपको अच्छा लगता है कि कलकत्ता की चीज़ें वो आपको यहाँ संभव हो पाएगी मिलेगी, अवश्य थोड़ा जेब खर्च होगा लेकिन मज़ा आएगा। तो आप लोग ज़रूर आइए। आप सब के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और धमाल मचाएँ आमची माँ दुर्गा माँ मुंबई की रानी। धन्यवाद। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि यू नो पूजा यू हैव मतलब ये सिर्फ बंगाली लोगों के लिए नहीं है, ये पूजा में उसी इच्छा ऐसी है कि जितने भी मुंबईकर हैं जितने लोग आ सकें वो ज़रूर आए। और उसके आने का कारण खास हम मंदिर क्यों जाते हैं क्योंकि वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो वो जो पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होता है जब हम अपने घर में भी मूर्ति रखते हैं तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होता है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ जब वो प्राण प्रतिष्ठा होगी जब पूजा होगी तब जो वाइब्रेशन यहाँ क्रिएट होगा तो वो वाइब्रेशन का जो फल होता है वो जो भक्त आते हैं उनको मिलता है जब वो यहाँ माथा टेकते हैं। तो आप प्लीज़ ज़रूर आइएगा और जो है देवी माँ के दर्शन कीजिएगा और जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट यहाँ क्रिएट होगा वो अपने लाइफ में लेकर जरूर जाएंगे। थैंक यू। एक थोड़ा सा एक लाइन और मुझे बोलना ही पड़ेगा क्योंकि उनके बिना ये पूजा हो नहीं पाती। ये मैंने सपना देखा था पर जैसे कि मैंने कहा यहाँ सीढ़ी के उस ओर से इस ओर तक जितने लोग बैठे इनके बिना मैं पूरा नहीं कर सकती। दो और जने जो यहाँ नहीं है मैं उनका नाम लेना चाहती हूँ, पीयूष कोठारी भाई और विकास वर्मा जी जो हमारे फाउंडर्स हैं हमारे साथ मेरे और कुणाल के साथ। और उसके अलावा हमारे यहाँ पे स्वागता शिवानी विकास दा और इनके बिना भी हमारे पूजा मतलब मैंने तो सपना देखा था पर हर चीज़ के लिए पैसे लगते हैं और ये सब मैं अकेले नहीं कर पाती अगर इन लोगों का साथ नहीं होता। और मेरे दो खास दोस्त एकदम एंड में बैठे सौमिता और पारस, इनको मैं एक स्पेशल थैंक यू इसलिए बोलना चाहती हूँ कि इन्होंने दिन रात मेहनत की है। और पारस इज ऑल्सो एन एक्टर बट वो अपनी शूटिंग छोड़ के आके भी उसने हर तरह का काम किया है, उसमें वो ड्राइवर भी बन गया है वो हमारी फोटोग्राफर भी बन गया है वो हमारे लिए सब कुछ किया। और पूजा के लिए माँ के लिए हम सब ने दिल जान से मेहनत की है और कल भी सुबह 6 बजे तक कुणाल ने काम किया है, 7 बजे घर आया फिर हम लोग 9 बजे उठे तो हमारी मतलब बैंड भी पड़ी है बट हम लोग को इसी की खुशी है कि हम लोग जो भी कर रहे हैं माँ के लिए कर रहे हैं। और हम सब यही चाहते हैं कि आप देख सकते हैं ये जितना पंडाल बना है ये पूरा टीम बंगाल से आया है। हमारी जो टीम है आर्टिस्ट यहीं पे थे रूपम और अभिक, इन्होंने बनाया है और इन्होंने शिव तत्व एंटरटेनमेंट में हमारी इवेंट मैनेज कर रहे हैं। और मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहती हूँ मेरे स्पॉन्सर्स को, गंगा राय नेशन जिन्होंने हमारी पहली बार कर रहे हैं ना तो बहुत लोग विश्वास नहीं करते हैं पर उन्होंने हम पे विश्वास किया। और उसके अलावा सेंको गोल्ड को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने माँ को और सबको पूरे सारे देव देवियों को इतना सोने से लग दिया है। और मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ अमित को, अमित पीछे बैठे हैं, अमित ने सबको पानी पिलाया, सबने पानी पिया है ना, ये इनकी है इनकी देन है और ये इन्होंने हमारे दोस्त है ये और हमको बहुत सपोर्ट किया है इन्होंने। और एक जन है जो अभी है नहीं यहाँ पे बट मैं भूल रही हूँ नाम, मैं वही बोल रहा हूँ एक्चुअली क्या होता है ना ऐसे टाइम पे जब बहुत सारे कैमराज होते हैं तो हम बहुत सारे लोगों को भूल जाते हैं, नाम भूल रही हूँ मुझे माफ कर देना। मेरे भाई मेरे दोस्त मेरी माँ मैं सबका थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि मेरी माँ का मैं फ़ोन ही नहीं उठाती हूँ, जब मुझे फ़ोन करती है पिछले 6 महीने से मैं कट कर देती हूँ, बोलती पॉइंट पे आओ खाली वॉइस नोट छोड़ दो, तो मेरे साथ बेयर करने के लिए माँ थैंक यू। और सब लोगों को क्योंकि मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाती, मैं किसी से बात नहीं कर पाती हूँ, वक्त ही नहीं मेरे दिमाग में इतना सब चल रहा है। ये महल पूरा है ना 2 महीने लगा है बनने में, अब तक पूरी तरह बना नहीं है, ये हो रहा है। और सारी टीम 80 लेबर आए हुए हैं कलकत्ता से, मेरी माँ भी कलकत्ता से ही आई है तो ट्रक से लेके 1 हफ्ता लगा है उनको पहुँचने में, हम बहुत टेंशन में थे कि कुछ हो ना जाए पर ये माँ की इच्छा थी कि उनको आना था। अब मेरी इतनी इच्छा है कि आप सब आइएगा 8 से 13 अक्टूबर उनका दर्शन करने। और जैसा कि अतुल सर ने कहा सिर्फ दर्शन करके जाना नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, शाम को रोज़ बहुत सारे आर्टिस्ट आने वाले हैं, परफॉर्मेंस होने वाला है, दोपहर को भोग मिलने वाला है, शाम को आपको बहुत सारे टेस्टी खाने के स्टॉल मिलने वाले, किड जोन भी है हमारे पास बच्चों के लिए, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू।
प्लीज कम, हमने बहुत मेहनत की है दिल से, आप सभी को धन्यवाद आने के लिए, और आपके माध्यम से मैं वापस ये बोलूंगी प्लीज आना, जॉय मत होगा। Thank you.
Thank you.